प्रीपेड मीटर में अगर बैलेंस खत्म हो हम उसको रिचार्ज करा देते हैं। ये जाता है 4-5 घंटा लग जाता है रिचार्ज को कंप्लीट होने में और लाइन आने में। कभी बिल एवरेज के हिसाब से सही आता है, कभी ज्यादा आता है। 500 के जगह पे 2000 बिजली बिल आती है, उसका भी कोई हिसाब देने वाला नहीं है। अगर रिचार्ज करें तो 15 से 20 मिनट लेट टाइम आ जाए, वो भी समस्या नहीं। बहुत समस्या, कितना घंटा लगता है? कम से कम तो 2-3 घंटा को ही जाता है। चार्ज करते करते परेशान है, 500 डालो कभी 1000 डालो फिर भी 2 दिन में खत्म हो जाता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों आप देख रहे हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। देखिए, प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है क्या सच में उपभोक्ताओं की नींद उड़ाए हुए है, उनको बेचैन किए हुए। हमारे साथ कई सारे जो उपभोक्ता है बिजली के, ऐसे तो कहा जाता है, दावा किया जाता है कि बिजली हर घर तक पहुंच गई है, लेकिन हर घर तक बिजली के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो पहुंच गया है उसने भी लोगों को बेचैन कर दिया है। हम सभी लोगों से बात करेंगे। देखिए, क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर आपने लगवाया है? जी। क्या मतलब क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि पहले तो ज़्यादा बिजली बिल उठता है, पहले की अपेक्षा 3 गुना जरूर उठता है। पहले डिजिटल मीटर था उससे ज़्यादा उठता है। हाँ, उससे 3 गुना उठता है। दूसरा बात कि अगर मेरे प्रीपेड मीटर में अगर बैलेंस ख़त्म हो हम उसको रिचार्ज करा देते हैं, उसके बाद भी 2-3 घंटे तक 4-5 घंटा लग ही जाता है, 4-5 घंटा लग जाता है रिचार्ज को कंप्लीट होने में और लाइन आने में। लाइन नहीं आता फिर टाइम से? नहीं, इसका कोई देखने वाला भी नहीं है, ना तो कोई टोल फ्री नंबर है 1912, उस पर लगता ही नहीं है। हम लोग परेशान होके बिजली ऑफिस दौड़ते रहते हैं। शुरू तो खुशी हुआ कि प्रीपेड मीटर लग रहा है, इसमें कस्टमर को मतलब बहुत सुविधा मिलेगा, लेकिन ये फुंसी का जगह जख्म मिल गया। आपको लगता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा कर लोग गलती कर रहे हैं? गलती कर ही रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। जो डिजिटल मीटर था वो ठीक था? वो ज़्यादा बढ़िया था, कम से कम जो भी आता था, जो भी रिचार्ज हो या जो भी बिल होता था कस्टमर जमा कर लेता था अपने सुविधा के अनुसार, फ़ायदा था उसमें। और इसमें तो रिचार्ज करने के बाद भी परेशानी झेल रहे हैं लोग। दुकान आप लोग का है, आप लोग का तो लाइट भी कट जाता होगा? हाँ, लाइट कट जाता है, 2-3 घंटा रिचार्ज होने के बाद भी 3 घंटा बाद लाइन आता है। एक बड़ी समस्या का वजह है इनवॉइस सेटलमेंट। क्या होता है सर? इनवॉइस सेटलमेंट में भी पैसा कटता है, एवरेज के अनुसार पैसा आता है, कभी अन एवरेज के हिसाब से पैसा भेज दिया जाता है। पैसा कट ही रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिस्टम इनका फेल रहता है, 4-5 दिन तक सेम बैलेंस दिख रहा है और अचानक 6ठा 7वां दिन माइनस में 500 रुपया चला जाता है, जबकि 1500 रुपया ऑनलाइन भी कट जाता है। हाँ, माइनस में भी हो जाता है। कभी बिल ज़्यादा आ रहा है? हाँ, बिल ज़्यादा आता है, कभी बिल एवरेज के हिसाब से सही आता है, कभी ज़्यादा आता है। एक बड़ी समस्या आप मान रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड? ना, बहुत बड़ा समस्या है कि रिचार्ज करने के बाद भी 1-2 घंटे बाद बिजली आता है। टोल फ्री नंबर जो है उसको ठीक करना चाहिए, ताकि जो भी कंज्यूमर के साथ परेशानी हो वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एटलीस्ट उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मगर ऐसा कोई सुविधा नहीं है, बिजली कटने के बाद भी लाइन नहीं आती है जल्दी। दूसरा बात, अगर मेरा 500 के जगह पे 2000 बिजली बिल आती है, उसका भी कोई हिसाब देने वाला नहीं है। 500 के बिजली बिल आ रहा है एकदम आ जाता है, उसका हिसाब भी देने वाला नहीं है। देने वाला नहीं है। पहले तो नॉर्मल मीटर में मेरा 1500-1600 का घर का बिल आता था, अभी 3500-4000 का बिल आ रहा है। जब वाले भी सब बेचैन है? हाँ, सब का जितना कंजम्पशन पहले भी था और वो आज भी है। आज भी और भी लोगों से बात होते हैं, क्या ज़्यादा बिल आ रहा है? जी, बिल तो ज़्यादा आता है पहले से। जी, पहले से ज़्यादा आता है। पहले जो है कि कुछ आता था, अभी कुछ आ रहा है। आपको लगता है कि ये बड़ी समस्या बन चुकी है? जी, समस्या तो बन चुकी है। ठीक है ना, सबसे बड़ा समस्या इसमें है कि हाँ, रिचार्ज कर दो तो 3-4 घंटे तक लेंगे। अब दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, 3-4 घंटे लाइन नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, बताइए। 4 घंटा बिना लाइन के काम कैसे होते रहेगा? अब 4 घंटा लाइन नहीं रहने पर बताइए, अगर रिचार्ज करें तो 15 से 20 मिनट लेट टाइम आ जाए, वो भी समस्या नहीं। बहुत समस्या। कितना घंटा लगता है? कम से कम तो 2-3 घंटा को ही जाता है। लगता है? हाँ, लग जाता है। ये तो फिर आप लोगों को तो ऑफिस भी दौड़ना पड़ता होगा? हाँ, ऑफिस का इतना बार फोन करना पड़ता है। जाते हैं ऑफिस? हाँ, ऑफिस जाते हैं। अभी फिर भी रिस्पॉन्स मिलता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं, बोले कि बस अपडेट होगा चला जाएगा। क्या चीज़? अपडेट होगा चला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाता है। और बिल भी ज़्यादा आ रहा है? हाँ, आराम से बिल से ज़्यादा आ रहा है, कम से कम तो 1.5 गुना जरूर आ रहा है। अभी 1.5 गुना ज़्यादा आता है? हाँ, पहले तो कम से कम 1000-2000 तो ऐसे ही आता था, अब तो 3000+ जाता है। 3000 से तब क्या लगता है, मतलब बिल भी ज़्यादा, बोझ बढ़ रहा है? जी, बोझ तो बढ़ रहा है। तो फिर भी मतलब पहले से भी 2 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। जी, ज़्यादा आप इस्तेमाल करते होंगे? नहीं भाई, इस्तेमाल तो उससे भी कम ही हो रहा है, फिर भी बिल ज़्यादा आ रहा है सर। आप पे क्या अभी फिर होता है कि निगेटिव में चलाता है अचानक से? जी,
निगेटिव में जैसे बैलेंस दिखाता है कि आप 500 बैलेंस है, फिर तुरंत जो है कि दिखाता है कि 1000 माइनस हो गया। दो दिन तीन दिन पर सेटलमेंट होता है, पता नहीं लाइन मतलब कि नहीं काटता बिजली, ठीक है ना। पहले दो 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 तीन दिन ऐसे रहता है, उसके बाद डायरेक्ट एक बार बैलेंस कार्ड काट लेना चालू कर देता है। सिस्टम का भी इनका प्रॉब्लम है, लिंक ही नहीं रहता और अपडेट दिखाता नहीं है, ऐप्स वगैरह में कोई अपडेट नहीं दिखाता। बिजली ऑफिस से चक्कर लगाते होंगे, जरूरत पे तो लगाना ही पड़ेगा ना सर। गरीब में तो और दिक्कत नहीं है। सबसे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मीडियम क्लास फैमिली को, भी रिचार्ज करते करते परेशान है। 500 डालो, कभी 1000 डालो, फिर भी दो दिन में ख़त्म हो जाता है। देखिए लोगों की समस्या क्या है, वहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहे थे, बता रहे थे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिल तो ज़्यादा आ ही रहा है, और बिल के ज़्यादा आने के साथ साथ ही इतनी फजीहत भी हो रही है, लोग काफ़ी तबाह हैं इसको लेकर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोड़ा अलग है डिजिटल मीटर से, पहले डिजिटल मीटर हुआ करता था, अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर आ गया है जिसमें रिचार्ज कराने की बात होती है। रिचार्ज अगर आपने करा भी लिया है तो अचानक से कभी लाइन कट गया, लाइन कटने के बाद फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए तो रिस्पॉन्स नहीं होता है, फिर दो दो तीन तीन घंटे तक काफ़ी दिक्कत होती है, बिजली नहीं आती है। तो आप समझ रहे हैं ये समस्याएं हैं, आम लोगों की समस्याएं हैं, जो बिजली उपभोक्ता हैं उनकी समस्याएं हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसी को लेकर ही कई जिलों में आपने देखा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बहिष्कार भी होता हुआ दिखता है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या है जो हम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे थे, सुनवा रहे थे। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जब से स्मार्ट मीटर आया है, ये प्रीपेड मीटर आया है, क्या बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है? हद से ज़्यादा। पहले जो मीटर था उससे लोग कम से रहता था, चलो महीना में जितना बिल आया उतना भर दिया। जब से प्रीपेड लगा लोगों को तो खाना छोड़िए, बिजली बिल भरते भरते भी खत्म हो जाते। जो मिडिल क्लास आदमी है जो 10,000 से 12,000 कमाता है प्राइवेट सेक्टर में, वो कहाँ से पड्डे 500-1,000 रुपये भरेगा? आप मोटर चला दीजिएगा, सोचिए कि मीटर का तो बिल मतलब 10 दिन ज़्यादा नहीं चलता 1,000 रुपया। तो सोचिए जो लड़का मिडिल क्लास का लड़का, जो 10,000-15,000 कहाँ से बिजली भरेगा? बिजली बिल कितना था पहले? 700-800 1,000 रुपया। अब तो महीने का कम से कम अगर जोड़ लीजिए पड्डे 500 तो 15,000 रुपया ऐसे हो जाता है बिल। काफ़ी से दिक्कत हो रही है, काफ़ी होता है दिक्कत, परेशानी हो रही है। जो अन्य उपभोक्ता उनसे बात करने कोशिश करते हैं, आप उपभोक्ता हैं बिजली? नहीं, मेरा तो मीटर वाले हैं। मीटर वाले हैं। हाँ। आपको लगता है जनरल मीटर से क्या अच्छा? बहुत वो अच्छा था, ये जो है ना बहुत एकदम रद्दी हालत हो गई। इसमें तो सुना कि लाइट भी नहीं आता है? नहीं, अगर रिचार्ज भी कर दीजिए 3-4 घंटा लाइट नहीं आता। ये तो काफ़ी समस्या वाली बात, काफ़ी समस्या एकदम। घर में लगवाएंगे डिजिटल मीटर? अभी तो नहीं लगाए हैं, लेकिन डिजिटल मीटर ना ऐसे मीटर है। तो बिहार की मौजूदा सरकार जब भी अपनी उपलब्धियों को गिनाती है उसमें तीन बातें ज़रूर आपको देखने को मिलती होंगी। सड़क की बात होती है, देखिए बिहार में बेहतरीन सड़कें हैं इसमें कोई शक नहीं है। पानी की बात होती है और बिजली की बात होती है। बिजली भी हर घर तक पहुंच चुकी है, बिजली का कनेक्शन हर घर तक पहुंच चुका है, लेकिन जो लोग हैं वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कितने नाखुश हैं, कितना असंतोष है उनके अंदर, कितनी नाराज़गी है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। जो ऊर्जा विभाग है उसे इस पर ध्यान देना चाहिए, खास करके जो बिजली कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को इतना शुल्क लेकर बिजली देती है। बिजली तो मिलती है लेकिन शुल्क पहले से ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है, इससे लोगों में नाराज़गी है। कई ज़िलों में प्रतिकार इसका देखने को मिला है। अब ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब उससे पहले ये बिजली प्रीपेड मीटर का जो मसला है वो और अगर आगे बढ़ता है और नाराज़गी लोगों में आती है तो इसका खामियाजा सरकार को आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। सड़क बिजली पानी की बात करने वाली नीतीश सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर कितना सही है, कितना उसमें बुराई है, कितना डिसएडवांटेज है, कितना एडवांटेज है, वो देखने को मिल रहा था। लोगों ने इस पर क्या कहा, आम लोगों ने, जो आम उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया है, उनके यहाँ लगभग 15 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जिनके घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो लगाया जा चुका है अब तक। तो ऐसे में ये जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। लोगों का मिजाज क्या है, लोगों का इस पर क्या कहना है, वो हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।